Hi guys, this is Meena here and welcome to my YouTube channel. With me I have मेरा नाम है सारा. Okay, and सारा आज हम किसके बारे में बात करेंगे? Double. तो आज हम इस गेम के बारे में बात करेंगे. अच्छा पहले ये बताओ ये कब लेके दिया आपको पापा ने? बहुत पहले. I think more than 1 year हो गया है इस गेम को लिए हुए, right? अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाए? Time नहीं मिलता. Oh my God, time. So we just couldn't find time to shoot and edit. So anyways, here we are. थोड़ी गेम पुरानी हो चुकी है. I think that's okay. सबसे पहले तो ये जो डबल गेम है ये मेटल टिन में आती है, which is very very good, ताकि आप इसमें कार्ड रख सकें और आपके कार्ड खराब नहीं हो. दूसरा, you get these 55 cards. Okay, ऐसे कुछ दिखते हैं. तो ये कितने लोग गेम खेल सकते हैं सारा? ये अकेले भी खेल सकते हैं. So I'll quickly distribute आधा because we are just two people. Okay, तो हम इसको आधा बांट देते हैं. मैं अभी exactly count नहीं कर रही हूँ, but yeah, in general हमें आधा बांटना होता है. और क्योंकि ये odd number of cards हैं, तो एक card बच जाएगा, right? Mm-hmm. And then उस card को हम center में रख देंगे. अब या एक चीज मैं बता काम है कम है. Okay. ओके, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस सारे कार्ड्स में बहुत अलग अलग तरह की चीजें बनी हुई है. दिखाओ सारा आपका कार है या अलग अलग चीजें बनी हुई है, कुछ छोटी कुछ बड़ी. ओके, और बोल रहे थे सारा आप कुछ? वो जब भी आपने अपना पहले किसी को रेडी स्टडी गो बोलना है, फिर उठाने ये कार्ड, उसके बाद देखना है कि कौन सा मैचिंग है, और फिर जब आपको मैचिंग मिल गया तो फिर मुझे मिल गया, बिकॉज ये कार है मुझे मिल गया, तो फिर मुझे ना जल्दी से बोल के नीचे रख देना है. और एक चीज और, इनमें हर एक कार्ड में एक ना एक चीज डेफिनेटली मैच करेगी, आपको शायद दिख ना रहा हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें क्लॉक मैच कर रहे हैं, बट ऐसा कोई भी कार्ड नहीं होगा जिसमें वो चीज मैच ना कर रही हो, राइट? अगर लगता भी है तब भी कुछ नहीं होता, तब भी होता है कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, चलो. एंड अब जैसे सारा ने अगर कार्ड जल्दी बोल दिया, वो इसके ऊपर रख देगी, और मेरे को ये वाला कार्ड अपनी साइड पे रख लेना है, राइट? दैट मींस ये कार्ड सेंटर में नहीं गया, राइट? लेट्स डू इट अगेन सारा. रेडी स्टडी गो ड्रैगन. ओह माय गॉड. रेडी स्टडी गो फायर. ओह माय गॉड. रेडी स्टडी गो fire. Oh gosh. Ready, steady, go. A question mark. I exclamatory mark. Ready, steady, go. Dragon. ऐसे. So basically ये ऐसे खेलते जाना है, और ये वाले जो cards हैं ये मेरे इधर हो जाएंगे. So सारा will also get some cards जो यहाँ पे पड़े रह जाएंगे. अरे मान लो मेरे आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए. मेरे भी आधे यहाँ चले गए और आधे यहाँ चले. हाँ, तो मुझे क्या करना है? अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको उठा के वापस इसके साथ खेलने लग जाऊंगी. राइट. सो जैसे कैट ऐसे. तो बेसिकली इन कार्ड्स को तब तक खत्म करते रहना है जब तक ये पूरे कार्ड्स फिनिश ना हो जाए, राइट सारा? हमारे वाले पर जिसके फिनिश हो गए उसको क्या होता है? वो जीत जाता है गेम. वो जीत जाता है. कौन जीतता है इस गेम में? मैं. मोस्टली सारा इस गेम में जीतती है. I think she's done lot of practice. Right, Sara? पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी. देखिए इसमें ना हर एक कार्ड में कुछ चीजें छोटी हैं, कुछ चीजें बड़ी हैं. फॉर एग्जाम्पल सारा बताना जरा इसमें क्या मैच कर रहा है जल्दी. लीफ. छोटा बड़ा. तो ना इसमें बहुत सारी आई थिंक तीन चीजें को कोऑर्डिनेशन होता है. वन इज माइंड, बिकॉज तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ता है कि कौन सा मैच. कभी कभी बहुत ही छोटू होता है, जैसे ये देखो. हाँ, यस. Right. So mind, then your eyes, because तुम्हें visualize भी करना, right? And hand coordination, and even your speech coordination. I think four things are coordinated. दिमाग का use, आँखों का use, हाथों का use और मुँह का use. Because आपको बोलना भी है. अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको side में card रखना पड़ेगा.
ये आई थिंक काफी अच्छी गेम है मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए और डेफिनेटली बहुत ही फन है राइट एंड हु लाइक्स दिस गेम डज योर पापा लाइक दिस गेम यस हूज बिहाइंड द कैमरा यस राइट सो आई थिंक वी लाइक दिस गेम राइट सारा यस एनीथिंग एल्स वी लेफ्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस गेम ओके आई थिंक वन मोर थिंग प्राइस बेसिकली जब हमने ये गेम खरीदी थी तो 630 की थी अमेजन पे आई एम नॉट श्योर 680 या 630 के आसपास थी बट राइट नाउ इट इज मोर देन 800 सो 830 के आसपास थी अमेजन पे तो प्राइस इंक्रीज हो गया है आई अग्री इट इज अ लिटिल बिट ऑन द कॉस्टलियर एंड बट इफ यू एंड अप बाइंग इट आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड होता है कि कौन पहले रखेगा ये वो है ना और बहुत ही बुरा लगता है जब आप छोटे से बच्चे से हार जाते हो बट या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गेम अगर आप रुपए स्पेंड करोगे इट विल बी वर्थ हां और यहां पर भी लिखा हुआ है यहां पे भी लिखा हुआ है हाउ टू प्ले दिस गेम बेसिकली यू कैन गो थ्रू दिस आल्सो बट हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया राइट सारा सो अ बिग थम्स अप फॉर दिस गेम एज वेल ओह माय गॉड टू थम्स अप या